माय डियर लोको पायलट एस्पायरेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं लिंक बेस्ड मेमोरी का। लिंक बेस्ड मेमोरी में अब तक दो तीन तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, पिक्चर नंबर एसोसिएशन या फिगर डिजिट मेमोरी, ट्रैक हाउस। और इस मेमोरी को बेहतर करने के लिए या इस मेमोरी के परीक्षण में अच्छा करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत सारे लड़कों को बहुत सारी परेशानियां हैं और आप लोग सबसे ज़्यादा डरे हुए हैं मेमोरी से, जबकि वास्तविकता ये है कि मेमोरी से डरने वाली ऐसी कोई बात है नहीं। मेमोरी एक टेक्निक है और टेक्निक सीखी जा सकती है, और एक काम को करने के लिए बहुत सारे टेक्निक हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। और ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं जिस टेक्निक या जिस तरीके की बात करूँगा वही सबसे बेहतर है, आपको वही यूज करना चाहिए। बगैर उसके भी अगर आप कोई दूसरा टेक्निक यूज करके आप याद कर लेते हैं तो आपका पर्पस क्या है? बेहतर से ज़्यादा याद करना। तो पर्पस आपका सॉल्व होना चाहिए, तरीका जो है जो भी इस्तेमाल करें। लेकिन मेमोरी को बेहतर करने के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट को जानना बहुत जरूरी है। मेमोरी के काम करने का तरीका, मेमोरी के टेक्निक, मेमोरी को बेहतर करने का टेक्निक का जो कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट, उसको जानना बहुत जरूरी है। तो मेमोरी को बेहतर करने के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए आपको, पर्टिकुलरली लिंक बेस्ड मेमोरी के लिए? तो सबसे पहली जो शर्त है वो है कॉन्फिडेंस इन मेमोरी। आपको अपने दिमाग पर भरोसा करना पड़ेगा। आपके पास एक बेहतरीन दिमाग है और उस दिमाग को इस्तेमाल करके आप अपनी मेमोरी को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। अगर आपको अपने दिमाग पर भरोसा नहीं है तो आपकी मेमोरी बेहतर नहीं हो सकती। और आपको अपने दिमाग पर भरोसा करने का कारण है, आपके पास वाकई एक बहुत बेहतरीन दिमाग है। अगर आपके पास बेहतरीन दिमाग नहीं होता तो आप CBT 1 या CBT 2 की परीक्षा पास नहीं किए होते। यही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि आपका दिमाग बेहतरीन है। हाँ, मेमोरी के लिए उसको कैसे यूज करेंगे, इस तरीके को नहीं जानने की वजह से आप घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। एक बार आप जान जाएंगे कि आप अपने दिमाग को, मेमोरी को बेहतर करने के लिए कैसे यूज करें, तो आपका डर अपने आप ख़त्म हो जाएगा। तो पहली तो बात कि आपको अपने दिमाग पर भरोसा करना पड़ेगा, आपको अपना आत्मविश्वास बनाए रखना पड़ेगा। और दिमाग पर भरोसा बढ़ाने के लिए या आपका दिमाग ये काम कर सकता है ये विश्वास दिलाने के लिए एक बहुत बढ़िया टेक्निक फिल्म 3 इडियट में बताई गई थी कि किस तरह से दिमाग को भरोसा दिलाते हैं, ऑल इज वेल। आप इस टेक्निक को यहाँ भी यूज कर सकते हैं। आप बार बार इस बात को अगर दोहराते रहें कि नहीं, मेमोरी सुधर जाएगी, मेरी मेमोरी अच्छी हो जाएगी, मैं सही तरीके से अभ्यास करूँगा, तो डेफिनेटली आपका दिमाग याद करना शुरू कर देगा। हाँ, दिमाग से काम कैसे लेना है ये आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा। और दिमाग से काम लेने के लिए, मेमोरी को बेहतर करने के लिए क्या क्या करना होगा, वो हम उन विधियों पर ही चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, आपको अपने दिमाग पर भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि यही आपका दिमाग आपका एग्जामिनेशन में साथ देने वाला है। तो इसको हम किस तरह से ट्रेनिंग दें, किस तरह से ट्रेंड करें जिससे हमारा मेमोरी बेहतर से बेहतर हो सके। दूसरी बात, थोड़ी सी एकाग्रता चाहिए होती है। जब लिंक बनाते हैं हम चीज़ों को, तो लिंक बनाते समय अगर हमारा कंसंट्रेशन भंग हो जाता है या हमारा ध्यान कहीं भटक जाता है तो वो लिंक कमज़ोर बनेगा। और जब लिंक कमज़ोर बनेगा तो भूलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए एकाग्रता का होना जरूरी है। अगर आपकी एकाग्रता बेहतर है तो आपका लिंक बड़ी जल्दी बनेगा और बड़ी मजबूत लिंक बनेगा। आप आसानी से उन चीज़ों को रिकॉल कर पाएंगे। तो कंसंट्रेशन थोड़ा बेहतर होना चाहिए, और कंसंट्रेशन को बेहतर करने के लिए श्वास प्रश्वास की क्रिया पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको, जो मैंने अपने पिछले किसी वीडियो में बोला है, आप उसे सर्च करके देख सकते हैं। कंसंट्रेशन के बाद हमारा दिमाग किन चीज़ों को पकड़ता है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हमारा दिमाग विशेषता को पकड़ता है, असाधारण असामान्य घटनाओं को पकड़ता है। तो किसी भी चीज़ को याद करते समय जो लिंक हम बनाएंगे उसमें असाधारण असामान्य या असंभव बातों को कैसे मिलाएंगे, इसके लिए थोड़ा सा आपको अपनी कल्पना शक्ति का सहारा लेना पड़ेगा। हम कल्पना में जाकर के कोई भी काम कर सकते हैं, असाधारण काम, असंभव काम या अनोखा काम हम अक्सर अपनी कल्पना शक्ति में जाकर कर सकते हैं। तो चीज़ों को थोड़ा सा एग्जिजरेट या बहुत बड़ा करके सोचना पड़ेगा। छोटी अब अगर बहुत बड़ी चीज़ को आप कहीं देखते हैं, जैसे मैंगो का कॉमन साइज़ का अगर आम कहीं पर आप देखते हैं साधारण साइज़ का, तो उस आम को आप भूल जाएंगे। लेकिन कहीं पर आप इतना बड़ा आम देखें जो जिसका एक आम का ही वज़न 5 किलो या 10 किलो हो, उतने विशाल आम को देखेंगे तो उस आम को जल्दी आप नहीं भूल पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग असाधारण चीज़ों को पकड़ लेता है, और असाधारण बनाने के लिए हम उसे एग्जेजरेट करेंगे कल्पना में जा करके। एग्जेजरेट मतलब बहुत बड़ी संख्या में, भारी तादाद में देखेंगे या बहुत बड़े साइज में देखेंगे
कल्पना में जाएंगे तो अपने आप वो चीज़ें हमें याद होने लगेंगी और अनकॉमन असाधारण बातों को हमें याद करना पड़ेगा। कल्पना शक्ति में जब हम जाएंगे तो वहाँ पर हम सेंस ऑर्गन को इन्वॉल्व कर देते हैं। अगर किसी जैसे सेंस ऑर्गन क्या है, इनपुट डिवाइस है, हम आँख से चीज़ों को देखते हैं जो हमारे दिमाग में जाती है, कान से सुनते हैं, तो हम जो हमारा इनपुट डिवाइस है जो मेमोरी में बातों को डालता है उसका भी कल्पना में जाकर हम बेहतर इस्तेमाल करेंगे। तीन तरह के लोग होते हैं, आई माइंडेड जो किसी चीज़ को देखकर याद करते हैं, ईयर माइंडेड जो किसी चीज़ को सुनकर याद करते हैं, और एक्शन माइंडेड जो करके जो उस काम को करके याद करते हैं। जैसे कुछ लड़के होते हैं क्लास में स्पीच दिया जाता है, टीचर जो बताते हैं तो सुन करके बहुत सारी बातें समझ लेते हैं। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जब तक वो किताब को पढ़ते नहीं हैं, अपने आँख से देखते नहीं हैं, तब तक उनको चीज़ें याद नहीं होती है। और कुछ लड़के होते हैं जो एक बार अपने से एक बार लिख नहीं लेते हैं घर पर, तब तक वो एग्ज़ाम उसको नहीं लिख पाते हैं। तो कुछ लड़के हैं जो सुन कर जाकर एग्ज़ाम में उसको लिख कर आ जाते हैं, कुछ लड़के हैं जो पढ़ कर जाकर एग्ज़ाम में लिख कर आते हैं, और कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो खुद से एक बार अपने आप से नहीं लिखते तब तक वो एग्ज़ाम में जाकर बेहतर नहीं करते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो तीन तरह के लोग हुए, ईयर माइंडेड, आई माइंडेड, एक्शन माइंडेड। लेकिन कोई भी इंसान 100% ईयर माइंडेड नहीं होता, या 100% आई माइंडेड नहीं होता, या 100% एक्शन माइंडेड नहीं होता। अगर कोई 60% आई माइंडेड है, 30% ईयर माइंडेड है और 10% एक्शन माइंडेड है तो हम उसको बोलेंगे ईयर माइंडेड। अगर वो 60% ईयर माइंडेड है तब, अगर 60% से ज़्यादा वो आई माइंडेड है तो हम उसको बोलेंगे आई माइंडेड। लेकिन जब हम मेमोरी का इस टेक्निक यूज करेंगे तो हम अपने इन तीनों सेंसरों को इन्वॉल्व कर लेंगे तो हमारी मेमोरी 100% हो जाएगी। यानी कल्पना में जाकर हम चीज़ों को देखेंगे भी, सुनेंगे भी और उस एक्शन को करेंगे भी, तो हम आसानी से चीज़ों को याद कर सकते हैं। अब कैसे होगा ये जब एग्जाम्पल के द्वारा मैं बताऊँगा तो बात और क्लियर होगी। तो सेंसरों को हमको इन्वॉल्व करना है, कल्पना शक्ति का सहारा लेना है, चीज़ों को एग्जेजरेट करना है यानी बढ़ा चढ़ा कर हमको देखना है, महसूस करना है, अनकॉमन असाधारण बातों की कल्पना करनी है और दो चीज़ों के बीच में लिंक बना देना है। इतना अगर काम हम कर लेते हैं तो हमारी मेमोरी किसी भी एग्ज़ाम के लिए बेहतर हो जाएगी। अब जब हम लिंक बनाते हैं तो लिंक दो तरह का बनता है, एक लिंक बनता है सीरीज में और दूसरा लिंक बनता है पैरेलल। जिस तरह से घर में बिजली के कनेक्शन लगाए जाते हैं तो सीरीज में भी लगाए जाते हैं, पैरेलल लगाए जाते हैं, बट घरों में सीरीज में नहीं लगाया जाता है। क्या वजह है? क्योंकि अगर एक बल्ब कहीं ख़राब हो गया, एक कनेक्शन कहीं ख़राब हो गया तो बाकी सारे ख़राब हो जाएंगे। लेकिन पैरेलल में अगर लगाते हैं तो एक ख़राब भी हुआ तो बाकी काम करते रहते हैं। ठीक उसी तरह से अगर हम सीरीज में मेमोरी याद करते हैं, बहुत सारे लड़के सीरीज में रखते हैं चीज़ों को, तो अगर हम सीरीज में याद रखेंगे तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर एक हम बीच का कुछ चीज़ भूल जाते हैं तो उसके बाद के सारी चीज़ें भूल जाते हैं। लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होता है। तो सीरीज और पैरेलल में किस चीज़ को हम इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर तो होगा पैरेलल में। लेकिन चूंकि हाउस मेमोरी में और ट्रैक मेमोरी में सिर्फ 12-12 आइटम को याद करना रहता है तो आप वहाँ सीरीज का भी काम ले सकते हैं, क्योंकि सीरीज बहुत लंबा होने वाला नहीं है। अगर छोटा सीरीज है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वहाँ सीरीज का भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो मतलब ये कहने का मतलब ये हुआ कि फिगर डिजिट में तो सबसे बेहतर होगा कि आप पैरेलल बनाएं, और जब पैरेलल बनाएं और पैरेलल का जब आप एक्सपर्ट हो गए तो बेहतर यही होगा कि आप ट्रैक में भी पैरेलल मेमोरी का सहारा लें और हाउस में भी लें। लेकिन ट्रैक और हाउस में अगर पैरेलल में प्रॉब्लम होता है तो आप सीरीज का भी सहारा ले सकते हैं। सीरीज को समझने के लिए सीरीज मेमोरी क्या है, तो जैसे किसी छोटे बच्चे को बोलिए आप ए टू जेड सुनाने के लिए, तो जब छोटा बच्चा ए टू जेड स्टार्ट करेगा तो ए से स्टार्ट करेगा, जेड पर ख़त्म करेगा। लेकिन अगर उसको आप बोल दीजिए कि तुम एम से जेड सुनाओ, अब उसको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उसकी शुरुआत जब भी होगी तो ए से होगी, क्योंकि उसने ए से लेकर जेड तक का सीरीज बनाया है, एम से लेकर जेड तक का सीरीज नहीं बनाया है। यानी उसका वर्क आपने हाफ कर दिया, उसका काम हाफ कर दिया कि उसको सिर्फ 13 लेटर सुनाना है 26 की जगह पर, लेकिन ये उसके लिए डिफ़िकल्ट काम हो जाएगा। और ए से जेड बोलिएगा सुनाने के लिए तो सुना देगा, क्योंकि उसने सीरीज में रटा हुआ है। तो सीरीज की यही समस्या होती है। लेकिन 12 आइटम को याद करने के लिए सीरीज भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। हाँ, 15-20 से अगर ज़्यादा हो जाता है तो सीरीज थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, लेकिन लिंक मेथड में पैरेलल जो पैरेलल लिंक बनाएंगे तो कभी भी समस्या नहीं देगा। अब जितनी बातें हमने कही उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, एक एग्जांपल के द्वारा पहले हम बता देते हैं। अक्सर मैं क्लास में डेमो देता हूँ, अपने मेमोरी का डेमो देता हूँ और बच्चे आश्चर्य में पड़ जाते हैं। कुछ बच्चे मासूमियत में भी बोलते हैं कि सर अपना दिमाग हमें दे दीजिए साइको तक के लिए। ऐसी कोई बात नहीं है, आपका दिमाग मेरे दिमाग से ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा फ्रेश है, और अगर वो तकनीक आप सीख जाते हैं तो आप भी आसानी से उन चीज़ों को याद कर सकते हैं। चलिए 10 चीज़ों को याद करने का एक लिस्ट मैं डेमो ले रहा हूँ आप लोगों का, ऑनलाइन की थोड़ी समय लिमिटेशंस हैं और
ऑनलाइन में मैं आपके एक्सप्रेशन को नहीं देख सकता कि आप कितना समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं और चीज़ें आप कितना ग्रहण कर रहे हैं, ये मुझे नहीं समझ दिखाई आती है, इसलिए मुझे थोड़ी सी परेशानी भी होती है ऑनलाइन बताने में आप लोगों को। फिर भी चलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपका डेमो मैं लूँ कि आपकी मेमोरी कितनी अच्छी है, और आपको यकीन हो जाएगा कि आपका दिमाग कितना बेहतर काम करता है अगर आप उसे सही तरीके से गाइड करते हैं। तब तो बेहतर काम करने के लिए मैं 10 मार्केटिंग का लिस्ट का सामान देता हूं और आपको याद भी करा दूंगा, और फिर हम देखते हैं कि ये 10 आइटम का जो लिस्ट आपने याद किया है वो आपको अच्छी तरह से याद हुआ या नहीं हुआ। चलिए ये 10 लिस्ट है मेरे पास, मेरे हाथ में। पहला है सीलिंग फैन आपको खरीदना है, उसके बाद मोबाइल, फिर आपको फ्रूट जूस खरीदना है, फिर आपको दवाई लेनी है मेडिसिन, उसके बाद आपको जूते खरीदने हैं, तब उसके बाद आपको टी शर्ट खरीदना है कपड़े की दुकान से जाकर, फिर किताब खरीदनी है, और घर में आटा ख़त्म हो गया आपको 5 kg आटा भी खरीदना है, आम खरीदना है, और लास्ट में इलेक्ट्रिशियन को ये बोलना है कि आपके घर का बिजली का स्विच खराब है उसको बना देना है। ये 10 काम है आपको मिले हैं और आपको याद करके जाना है बिना लिस्ट के, इसको दिमाग में कैसे याद करेंगे। तो देखिए इमेजिन कीजिए, जैसा कि मैंने कहा था कल्पना करेंगे सीलिंग फैन, ये आपको याद रखना है, पहला आइटम याद रखना पड़ेगा तभी आपका लिंक बनेगा। सीलिंग फैन आपको याद रखना पड़ेगा, सीलिंग फैन को जैसे आपने ऑन किया, देखिए लिंक बनाइए, उसको कल्पना में देखिएगा, कल्पना में जितना स्पष्ट देखिएगा विजुलाइजेशन जितना बेहतर होगा, ये चीज़ आपको उतनी अच्छी तरह से याद होगी। क्या देखते हैं कि सीलिंग फैन जैसे आपने ऑन किया उसके ऊपर से मोबाइल फ़ोन आपके हाथ में गिर गया, सीलिंग फैन के ऊपर से मोबाइल फ़ोन आपके हाथ में आया, मोबाइल फ़ोन आपने देखना शुरू किया, स्मार्टफोन आपके हाथ में कैसा आ गया, तब तक वो आपके हाथ से फिसल गया, और स्मार्टफोन फिसलने के बाद जूस के गिलास में गिरा, अब हमारा जूस तक का लिंक बन गया। जूस आपने जैसे पीने की कोशिश की, एक घूंट जूस का लिया तो आपके मुंह में कुछ गया, और आपने जब उसे निकाल कर देखा तो पता चला कि ये कैप्सूल है, मेडिसिन है। अब आपको मेडिसिन की याद आ जाएगी, मेडिसिन जैसे आपने कैप्सूल को अपने हाथ में लिया वो आपके हाथ से फिसल गया और आपके जूतों में जाके गिर गया, यानी मेडिसिन से आपके जूते का लिंक बन गया। जूते को देखना शुरू किया तो पता चला उसके ऊपर बहुत डस्ट पड़े हुए हैं, धूल पड़े हुए हैं, तो आप एक टी शर्ट से अपने जूते को पोंछ रहे हैं। जैसे आपने जूते को टी शर्ट से पोंछा और टी शर्ट को झाड़ा तो देखते हैं कि उसके ऊपर एक किताब की तस्वीर बनी हुई है, और उस किताब की तस्वीर, तब आपको किताब को याद आ जाएगी, और जैसे आप किताब हाथ में लेते हैं तो आप देखते हैं कि किताब के ऊपर बहुत सफ़ेद डस्ट जैसा कुछ पड़ा हुआ है, आप उसे झाड़ते हैं तो लगता है कि उसमें से आटा गिरने लगा, और इसके बाद आप आटे का पैकेट खरीदते हैं, और आटे का पैकेट तो उसके अंदर से कुछ ठोस दिखाई लगता है आपके हाथ में महसूस होता है, और जब आप उसे छूते हैं तो लगता है कि ये आम है, और जब आप आम को हाथ से छूते हैं तो आपको बिजली के झटके लगते हैं, यानी आपको इलेक्ट्रिशियन को ये बोलना है कि आपके घर की बिजली खराब है उसे बनाने चलना है। अब इस कहानी को, जिसे मैंने कहा पंखा, मोबाइल, उसके बाद जूस, कैप्सूल, मेडिसिन, जूता, टी शर्ट के ऊपर किताब की तस्वीर, उसके बाद किताब के ऊपर से आटा, आटे के अंदर आम से बिजली के झटके और इलेक्ट्रिशियन, इन सब का अगर लिंक आपने विजुलाइज कर लिया है तो आप यकीन मानिए आपको ये लिस्ट अगले आधे घंटे तक याद रहने वाली है। अगर यकीन नहीं हो तो इस वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप 10 मिनट के बाद फिर से लिस्ट बनाइए और देखिए आपकी चीज़ें याद हुई या नहीं हुई। अगर ये चीज़ें याद हो गई तो अब हम डिस्कस करेंगे कि इस लिंक मेथड को, ये सीरीज मेथड का था एग्जांपल, अब इसको पैरेलल में बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे। सीरीज मेथड या सीरीज में लिंक बनाने की विधि को समझने के बाद अब हम लोग चर्चा करते हैं कि पैरेलल लिंक कैसे बनाएंगे। ये ज़्यादा फायदेमंद है, हालांकि सीरीज में भी लिंक बनाने का अभ्यास करते रहिए, इससे कम से कम आपकी कल्पना शक्ति बढ़ेगी और वस्तुओं को कनेक्ट करने के लिए आपके पास सोचने का वक्त थोड़ा कम भी रहेगा, तभी आप क्विकली कर सकते हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि पैरेलल में
अगर किस नंबर पर क्या वस्तु है हमको ये याद करना है, श्रृंखलाबद्ध नहीं याद करना है, सीरीज में नहीं याद करना है, तो हम कैसे याद करेंगे? तो वस्तुओं को पैरेलल याद करने के लिए या किस नंबर पर कौन वस्तु है ये याद करने के लिए हम लोगों को, क्योंकि नंबर को चूंकि हम लोग देख नहीं सकते हैं, नंबर को हम लोग विजुलाइज नहीं कर सकते हैं, तो नंबर को कन्वर्ट करना पड़ता है वस्तु में, जिसे हम लोग वस्तु को देख सकें और उसके साथ हम जिस वस्तु को याद रखना चाहते हैं उसका कनेक्शन बना सकें, उसका लिंक बना सकें। लिंक बनाने में हमको दो तीन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा, मैं इसे बार बार रिपीट कर देता हूँ जिससे आपके ब्रेन इसको पकड़ ले। कल्पना शक्ति में जाके असाधारण या असामान्य लिंक बनाना है और उसको विजुलाइज कर लेना है। वहाँ पर हमें आँख, कान मतलब आई, ईयर और एक्शन, तीनों का कम्बिनेशन अगर करके हम लिंक बनाएंगे तो डेफिनेटली बहुत बेहतर लिंक बनेगा और हमें बहुत आसानी से याद भी रहेगा और हम उसको आसानी से रिकॉल कर सकेंगे या वस्तु को पहचान सकेंगे या चित्र को पहचान सकेंगे। फिगर डिजिट में इसका इस्तेमाल होगा बहुत बेहतरीन तरीके से। कैसे करेंगे, पहले हम लोग लिंक बनाने की विधि समझते हैं। तो 0 से 9 तक, यहाँ पर मैंने ये 10 नंबर लिखा हुआ है ट्रैक या हाउस के लिए, 0 से लेकर 9 नंबर तक के लिए हमारे पास ये शब्द हैं जो हमको इस अंकों की याद दिलाएंगे, इस नंबर को याद दिलाएंगे और इस नंबर पर ये वस्तु है ये हमारे दिमाग में फिक्स रहना चाहिए। ये जैसे 0 हमको, 0 अगर याद करना हो तो हम उसका कनेक्शन बनाएंगे अंडे के साथ किसी वस्तु का। अगर 1 याद करना है एक नंबर पर क्या है तो हम उसका कनेक्शन बनाएंगे गन के साथ। 2 नंबर पर कोई वस्तु है तो उसका कनेक्शन हम जूते के साथ बनाएंगे। इसी तरह से 6 पर अगर है तो उसका कनेक्शन ईंट की तरह बनाएंगे। अब इसको याद करने का क्या तरीका हो सकता है? तो इसको याद करने का तरीका बड़ा ही राइम्स में है, तुकबंदी में बनाया हुआ है, बड़ी आसानी से आप याद कर सकते हैं। 0 को तो ऐसे भी अंडा बोलते हैं, 1 गन, 2 शू, 3 ट्री, 4 डोर, 5 नाइफ, 6 ब्रिक्स, 7 ओवन, 8 प्लेट, 9 वाइन, 10 हैन। ये सब राइम्स में बने हुए हैं, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। और इस 9 या 10 जो भी अंक दिए गए हैं इसको याद करके हम किसी भी नंबर को किस वस्तु के साथ है आसानी से जोड़कर याद कर सकते हैं। हाँ, जोड़ने के लिए वही नियम है, असाधारण, असामान्य, कल्पना और एसोसिएट करना, चित्र कनेक्शन बनाना या लिंक बनाना। अब ये काम हम कैसे करेंगे? तो जैसे अभी अभी हम लोगों ने जो सीरीज में लिस्ट बनाया था उसमें कौन कौन सी वस्तुएं थी, उन्हीं वस्तुओं को हमने यहाँ पर लिख दिया नंबर वाइज। 1 नंबर पर था पंखा, सीलिंग फैन, 2 नंबर पर मोबाइल, 3 नंबर पर लेना था फ्रूट जूस, 4 नंबर पर मेडिसिन या दवाइयाँ, 5 नंबर पर जूता खरीदना था, 6 नंबर पर टी शर्ट, 7 नंबर पर किताब खरीदनी थी आपको, 8 नंबर पर आटा और 9 नंबर पर आम लेना था और 10 नंबर पर इलेक्ट्रीशियन को काम बताना था। अब इसको अगर हम पैरेलल में याद करना चाहते हैं कि किस नंबर पर क्या था, तो इंडिविजुअल हम लिंक बना सकते हैं। जैसे 7 नंबर पर किताब लेना था तो क्या देखेंगे कि किताब को तंदूर में रख के केक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक अनयूजुअल या एक असामान्य काम है, बुक को कोई, किताब को कोई तंदूर के अंदर रखकर केक बनाने की कोशिश नहीं करता है। और इस लिंक को आपको विजुलाइज कर लेना है, तो किताब तंदूर के अंदर रख के उसे केक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो तंदूर 7 नंबर को याद दिलाएगा, ओवन 7 नंबर को याद दिलाएगा और 7 नंबर पर क्या था, तो ओवन में क्या रखे थे, बुक, तो बुक याद आ जाएगा। यानी 7 नंबर पर बुक है या बुक का नंबर 7 है, दोनों हमको पैरेलली याद रहेंगे। उसी तरह से जैसे 3 नंबर पर फ्रूट जूस है तो एक ऐसा पेड़ जो डायरेक्ट फल की जगह उसका रस प्रोवाइड कर रहा है, लोग पेड़ के पास जाते हैं और जिस पेड़ जूस की ज़रूरत होती है उन लेते हैं और चले आते हैं। यानी पेड़ हमको फ्रूट जूस की याद दिलाएगा, अब फ्रूट जूस कहाँ मिल रहा था, तो हमको पेड़ के पास मिल रहा था। उसी तरह से अगर आम को 9 नंबर पर याद करना था तो आम को देखते हैं कि आम को साफ़ करने के लिए कोई इंसान पानी की जगह उसको शराब से धो रहा है। एक अनयूजुअल काम है, असाधारण काम है, असामान्य काम है, आमतौर पर यह कोई काम करता नहीं है और जो कोई काम नहीं करता है उसी को ब्रेन हमारा पकड़ेगा। और इसलिए अगर इस चीज़ को विजुलाइज कर लेते हैं कि आम को धो, शराब से आम को धो रहा है, तो आप आसानी से इसको याद कर लेंगे। लेकिन लिंक बनाते समय एक बात का ध्यान रखिएगा, जब हमको किस नंबर पर कौन वस्तु है तो वस्तु पहले आनी चाहिए, यानी शराब से आम धो रहे हैं तो 9 नंबर पर क्या था, आम को याद दिलाएगा। ओवन में क्या कर रहे थे, तो बुक रख के केक बना रहे थे, तो 7 नंबर पर बुक था, याद आ जाएगा। पेड़ के पास क्यों गए थे, फलों का रस लेने के लिए, तो 3 नंबर पर फल का रस था, ये याद आ जाएगा। उसी तरह से मोबाइल, जूते में पैर डाले तो अंदर मोबाइल फ़ोन था, पैर अंदर नहीं गया, तो 2 नंबर पर मोबाइल था, ये आपको दिमाग में आ जाएगा। एक बात और गौर करने वाली है, यहाँ पर 5 नंबर पर जूता खरीदना था और 5 का कीवर्ड है चाकू।
तो चाकू से जूते को काट छाट करके उसको शेप का बना रहे हैं, यानी चाकू पहले आना चाहिए, जूता बाद में आना चाहिए। तो चाकू पाँच नंबर, और चाकू से क्या कर रहे हैं, तो जूते को काट छाट के उसको अपने शेप में ला रहे हैं, तो चाकू जूते तक पहुंचा देगा। इस तरह से अगर लिंक बनाने का प्रैक्टिस करते हैं तो किस नंबर पर क्या आइटम था इंडिविजुअली याद रहेगा, सीरीज में नहीं, इंडिविजुअली अलग अलग। और एक का अगर लिंक भूल भी जाते हैं तो दूसरे का लिंक आपके दिमाग में बना रहेगा। जो समस्या सीरीज में होती है वो यहाँ होने वाली नहीं है। और इसी रूल को, इसी तरीके को यूज करके हम लोग फिगर डिजिट के नंबरों को बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं, और आप तीन मिनट के अंदर अगर एक्सपर्ट हो जाते हैं लिंक बनाने का। हाँ, शुरू शुरू में लिंक बनाने में आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, क्योंकि आपकी कल्पना शक्ति हो सकती है कि उतनी ज़्यादा नहीं हो। हालांकि कुछ विद्यार्थियों को तो दो दिन में ही बड़ी आसानी से याद हो जाता है, लेकिन कुछ को थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है। आप अपने दिमाग पर भरोसा रख के इसको प्रैक्टिस कीजिए। तीन मिनट के बजाय आप चार मिनट में लिंक बनाइए, पाँच मिनट में लिंक बनाइए। एक बार आपका दिमाग अगर लिंक बनाने का एक्सपर्ट हो जाएगा तो फिर बड़ी आसानी से समय में आप लिंक बना पाएंगे। और अब हम लोग इसी मेथड को कैसे यूज करेंगे फिगर डिजिट में, वो समझने की कोशिश। आइए अब इस कंसेप्ट को हम लोग फिगर डिजिट मेमोरी में किस तरह से यूज करेंगे इसको जानने की कोशिश करते हैं। जैसे पिक्चर नंबर एसोसिएशन या फिगर डिजिट मेमोरी में आपके सामने पहले सेट में आएंगे 21 प्रश्न। मेमोरी का कोई भी टेस्ट दो सेट में होगा, सेट वन सेट टू, और ये कंटिन्यूअस होता है। तो पहले सेट में आएंगे आपको 21 चित्र, और 21 चित्रों के साथ इस तरह के नंबर दिए हुए रहेंगे। और इसके ख़त्म होने के बाद फिर दूसरे सेट में भी 21 चित्र आएंगे और उनके साथ भी नंबर दिए हुए रहेंगे। आपको याद करने के लिए किस चित्र के साथ कौन सा नंबर है इसे याद करने के लिए तीन मिनट का समय दिया जाएगा, और उसके बाद ये नंबर यहाँ से हट जाएंगे, प्रश्न चित्र आ जाएगा। और प्रश्न चित्र जब आएगा तो उसमें ये चित्रों का क्रम यही नहीं रहेगा, चित्रों का क्रम भी बदल जाएगा, और हर चित्र के साथ चार चार ऑप्शन होंगे। और आपको तुरंत ये बता देना है, याद कर लेना है कि किस नंबर के साथ आपने कौन सा अंक देखा था। जैसे तीन मिनट याद करने के लिए दिया जाएगा, और तीन मिनट आपको फिर पहचानने के लिए दिया जाएगा कि किस चित्र के साथ कौन सा अंक था। ये अंक होगा, उसमें से चार ऑप्शन में से एक अंक होगा, आपको सिंपली पहचान लेना है। कि इसीलिए हमने कहा था कि ये रिकॉग्निशन का टेस्ट है कि किस चित्र के साथ कौन सा अंक था। अंक आपके सामने होगा, आपको पहचानना है सिंपली। अब पैरेलल विधि, पैरेलल मेमोरी से, या अभी जो हमने बताया था, इसके द्वारा इस अंकों को कैसे याद करेंगे चित्रों के साथ लिंक बना करके, इसको समझने की कोशिश करते हैं, और फिर कैसे उसको रिकॉल करेंगे। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि इन नंबरों को कन्वर्ट कर देना है इन वस्तुओं में, और उस वस्तु के साथ इस चित्र का रिलेशन बना देना है, और रिलेशन असाधारण या असामान्य होना चाहिए, और उसको कल्पना में आपको विजुलाइज कर लेना है। सारा जादू, सारा ट्रिक इसी के अंदर है कि आप कितना बेहतर लिंक बनाते हैं और कितना बेहतर विजुलाइज करते हैं। और एक बार अगर आपका दिमाग लिंक बनाना और विजुलाइज करना सीख जाता है तो ये ट्रिक इतना ज़बरदस्त काम करेगा कि आप 42 के 42 बना लेंगे विदाउट एनी एरर, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। लेकिन एक दिन या दो दिन के प्रयास से नहीं होगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा अटेम्प्ट करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। और जैसे जैसे अभ्यास करेंगे आप देखिएगा कि आपका मेमोरी बढ़ते चला जाएगा, 7 से 10 दिन के अंदर अंदर आप इसके एक्सपर्ट हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, ग्रुप डी वाले अपनी शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज कर रहे थे, तो उन्होंने एक्सरसाइज 2 दिन के 3 दिन के एक्सरसाइज में तो अपना फिजिकल पावर इतना तो नहीं बढ़ा लिया होगा जितना रिक्वायर्ड था, इसके लिए उनको लगातार परिश्रम करना पड़ा कुछ दिनों तक। ठीक उसी तरह से आपको कुछ दिनों तक मानसिक परिश्रम करना पड़ेगा, और मानसिक परिश्रम यह होगा कि इस चित्रों को लिंक बनाने के लिए अभ्यास कैसे करें। शुरू में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा, हाँ, हो सकता है कि 3 मिनट के बजाय आपको 5 मिनट समय लग जाए, कोई टेंशन नहीं है। एक बार अगर आपका दिमाग लिंक बनाना सीख जाएगा तो 3 मिनट से कम समय में ये लिंक बनने लगेगा। पहले लिंक बनना चाहिए, कल्पना में आपको दिखाई पड़ना चाहिए, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए हमको ये डक, अब इस डक को हमको इन अंकों के साथ, और ये 9 की जगह पर हम रखेंगे वाइन यानी शराब, और 3 की जगह हम कनेक्शन बनाएंगे पेड़ से, यानी इस डक का कनेक्शन शराब और पेड़ के साथ हमको कनेक्ट करना है। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि किसी डक ने शराब पी और शराब के नशे में पेड़ पर चढ़ गया। आमतौर पर डक पेड़ पर चढ़ते नहीं हैं, और ये एक असाधारण बात है, असामान्य सी बात है। और आप डक को अगर पेड़ पर चढ़ते हुए कल्पना में देखते हैं, शराब पिया हुआ है डक इसलिए पेड़ पर चढ़ गया, तो ये आपको याद रहेगा, इसको भूल जाए। अब इसको आगे चलते हैं, इतना करके लिंक, अब आगे चलते हैं। मछली
मछली को कोई व्यक्ति प्लेट के अंदर रख के बंदूक से मारने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर गन भिड़ाए हुए है, ये भी एक अनयूजुअल घटना है। मछली कहाँ है? प्लेट के अंदर। प्लेट किस चीज़ को याद दिलाएगा? एट, आठ नंबर का, एट का हमारा शब्द है प्लेट। तो मछली को प्लेट के अंदर रख के, सीक्वेंस याद रखिएगा, मछली को प्लेट के अंदर रख के गन से मारने की कोशिश कर रहा है एक इंसान, इतना बहादुर है कि मछली को प्लेट में रखी हुई मछली के ऊपर बंदूक ताने हुए है। कल्पना में देखें, अब छोड़ दीजिए, अब आगे चलिए। एक जोकर है, जोकर लोगों को बोर कर रहा है, उसके परफॉर्मेंस से लोग नाखुश हैं, पहले उसके ऊपर जूते फेंके, पहले उन्होंने जूते फेंके, बाद में उन्होंने अंडे भी फेंके, और आप भी जूते फेंकने में और अंडे फेंकने में शामिल हो जाइए, एक्शन, जैसे मैंने कहा था, कल्पना में देखिए भी और एक्शन भी कीजिए। तो आपने भी जूते के जोकर के ऊपर जूते फेंके, अंडे फेंके, लिंक बन गया। आगे चलते हैं, अब आगे आते हैं नंबर फोर पर। ये चित्र और ये नंबर हमने RDSO के द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन के एग्जाम्पल से उठाया है, कुछ बताने के लिए, कुछ खास बात है जिसकी वजह से हमने ये चुना हुआ है। पहले हम लिंक बना लेते हैं। लिंक क्या है? ये एक फ्लावर पॉट है, गुलदस्ता है जिसमें फूल रखते हैं, और इसके साथ हमको पहले ब्रिक्स यानी ईंट का कनेक्शन बनाना है और फिर दरवाजे का बनाना है। तो हम ऐसी कल्पना करते हैं कि फ्लावर पॉट बढ़िया नहीं है, ख़राब हो गया, उसे पहले ईंटों से तोड़े और उसके बाद दरवाजे से बाहर फेंक दिए। पहले फ्लावर पॉट को ईंट से तोड़ के, ईंट से फोड़ के, उसके बाद उसको दरवाजे से बाहर फेंक दिए। अब ये लिंक हमारा बन गया। अगर ये आपके दिमाग में कितना बेहतर टिका है, आपकी स्मृति में कितना बेहतर गया है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने इस लिंक को कितना बेहतर विजुलाइज किया है और कितने अच्छी तरह से आपने इसमें आई, ईयर और एक्शन को पार्टिसिपेट किया है, इनको यूज किया है। इन चीज़ों को अगर यूज करके आप लिंक बनाएंगे तो लिंक बहुत बेहतर बनता है और आसानी से चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं। अब 3 मिनट के बाद मान लेते हैं कि ये आपके सामने से ये प्रश्न खत्म हो गया और इसके बाद ये याद स्मृति चित्र, याद करने के लिए जो चित्र दिया हुआ है वो आपके सामने से हट गया और इसके बाद आपके सामने चार प्रश्नों के, हर प्रश्न के चार चार ऑप्शन वाले चित्र आएंगे और उसमें से आपको ये चुनना है कि किस चित्र के साथ कौन सा अंक था और क्विकली कैसे रिकॉल करेंगे। उस लिंक में जाके अब उसके बारे में बात करते हैं। जैसे 3 मिनट का वक्त ख़त्म होगा इस तरह से आपके पास प्रश्न पत्र चले आएंगे। हाँ, एक बात का ध्यान दीजिएगा कि जिस सीक्वेंस में हमने याद करने के लिए यहाँ पर दिया था उसी सीक्वेंस में प्रश्न है, लेकिन ऐसा है वास्तव में रियल एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, ये जंबल्ड हो जाएंगे। जो पहली बार याद करने के लिए पहला चित्र था, हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर में हो, 9 नंबर पर हो या 10 नंबर पर हो, तो सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। लेकिन अब अगर ऑप्शन आपके पास आया तो हम इसको याद कैसे करेंगे? तो लिंक में जाना पड़ेगा। तो हमने डक का लिंक बनाया था। डक क्या कर रहा था? शराब पीकर पेड़ पे चढ़ गया था। तो शराब हमें 9 की याद दिलाएगा और पेड़ हमें 3 की याद दिलाएगा। ये अब इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 93। मछली को क्या कर रहे थे? तो मछली को प्लेट में रख के गन से मार रहे थे, गन से मारने की कोशिश कर रहा था इंसान, यानी प्लेट 8 और गन 1 आपको याद दिला देगा। हाँ, जोकर के ऊपर आपने पहले क्या फेंका था? जूता। पहले आपने जूते फेंके थे और उसके बाद आपने अंडे फेंका था, जब नहीं हटा तब। तो जूता 2 को याद दिलाएगा, अंडा 0 की याद दिलाएगा। और पॉट को पहले तोड़े थे, किस चीज़ से तोड़े थे? ब्रिक से तोड़े थे। और कहाँ फेंके थे उसको? दरवाजे से बाहर। तो ये 64 याद दिलाएगा। हाँ, इस एग्जाम्पल के बारे में हमने कहा था कि RDSO से हमने उठाया है। वजह यह है आपको ये बताना कि इससे ये पता चलता है कि ऑप्शन में हमको याद करने के लिए मिला था 64, लेकिन ऑप्शन में 46 भी रहेगा। और उसके एग्जाम्पल को गौर से देखिए, RDSO के साइट पे जो जारी है, आइडिया लग जाता है कि प्रश्न में ऑप्शन भी किस तरह से हो सकते हैं। तो उसमें 4-5 ऑप्शन ऐसे हैं जहाँ पर अगर याद करने के लिए दिया गया 20 तो उसके साथ ऑप्शन में रहेगा 02, यानी सीक्वेंस गड़बड़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके पास ऑप्शन में भी वो उल्टा मिलने के चांसेज हैं। अगर दरवाज़ा और ईंट याद रहा, सीक्वेंस नहीं याद रहा, तो आपको कन्फ्यूजन होगा कि आंसर ए है या आंसर बी है। इसलिए मैंने कहा कि सीक्वेंस जब भी बनाएंगे, जोकर, उसके बाद जूता, तब अंडा, मछली, प्लेट, तब उसके बाद गन, डक, शराब, तब पेड़। हाँ, एक चांस, एक संभावना ये भी है कि आप जब ऑप्शन देखें तो हो सकता है कि आप लिंक भूल जाए, याद नहीं आए। ऐसे सिचुएशन में घबराना बिल्कुल नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है। आपको क्या करना है कि जो जो लिंक आपको याद है वो हो रहा है, पहले उसको सॉल्व कर लीजिए। अब जो समय बच गया जिसका लिंक आप भूल चुके हैं, उसको क्या करेंगे कि हम देखना शुरू करेंगे
ऑप्शन, ऑप्शन में नंबर नहीं देखेंगे, वस्तु देखेंगे। जैसे हमको नहीं याद आ रहा है कि डक के साथ हमने क्या बनाया था, तो जैसे देखेंगे डक, प्लेट, पेड़, शराब, पेड़, प्लेट, शराब, ओवन, पेड़, इन जैसे इन शब्दों को देखेंगे, नंबर को नहीं, उसके जुड़े हुए शब्दों को देखेंगे, तो कहानी तुरंत रिकॉल हो जाएगी। यानी पैरेलल विधि का, पैरेलल सिस्टम का, पैरेलल मेमोरी का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि ये लेफ्ट से राइट भी काम करता है और राइट से लेफ्ट, ये दोनों तरफ से काम करता है। इसलिए अगर आप चित्र को भूल जाते हैं, चित्र के साथ कौन नंबर था भूल जाते हैं, तो ऑप्शन आपको उस लिंक की याद दिला देगा। यानी आप किसी भी तरह से आप इसको चाहें तो रिकॉल कर सकते हैं, लेकिन पहले चित्र, फिर उस वस्तु का सीक्वेंस, और अगर इन केस भूल जाते हैं तो फिर ऑप्शन देख के उस लिंक को रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। यानी ये लिंक आपको दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दोनों तरफ से याद कराएगा। हाँ, स्पीड कम या बेसी हो सकती है, किसी किसी विद्यार्थी का थोड़ा सा स्पीड कम होता है, घबराने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको लिंक बनाने का अभ्यास होता जाएगा, और जितना ज़्यादा लिंक बनाने का अभ्यास आप करेंगे उतना ही क्विकली 3 मिनट से कम समय में आसानी से आप चीज़ों को याद कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लिंक विधि या मेमोरी का ये सेशन आपको पसंद आया होगा और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। इसी को हम किस तरह से यूज करेंगे ट्रैक और हाउस के लिए, इसी विधि को, इसी लिंक विधि को किस तरह से यूज करेंगे ट्रैक और हाउस के लिए, अब मैं इसे अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। धन्यवाद।